हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये किस सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है, तो ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी, ये आपके लिए स्पेशल कोर्स है। तो चलिए आगे बात करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, एजी टूडे एजुकेशन से आईडी बनी हुई है। कोई भी अगर क्वेरी है तो यहाँ पर आप पता कर सकते हैं। चलिए, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, या आपने एक और चीज सुनी होगी, रिड्यूसेबल, ओके, रिड्यूसेबल टू लीनियर, रिड्यूसेबल टू लीनियर, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा हो। तो आप जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या तो ये वाली फॉर्म होगी या फिर आपके पास जो दूसरी फॉर्म मैंने बताया था आपको, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस ऑफ पी एक्स इक्वल टू ऑफ क्यू। यहाँ पर क्या होता है, ये जो पी क्यू क्या होते हैं, या तो ये कांस्टेंट होते हैं या क्या हो जाएंगे, ये फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएंगे। यहाँ पर जो पी और क्यू है वो क्या हो जाएगा, या तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा जैसा मैंने आपको पहले बताया है, या फिर क्या हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, रिड्यूसेबल टू लीनियर, मतलब इसी प्रकार की कोई इक्वेशन दी जाएगी और किस प्रकार से हम उसे लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है आपके, उसकी भी फॉर्म्स होती हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, जैसे मैंने बताया कैसे पहचाना होगा कि बर्नौली की इक्वेशन है। देखो, इस प्रकार की इक्वेशन दी जाएगी, मतलब क्या होगा, सपोज करिए मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स, देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। अगर आइडेंटिफिकेशन आपको पता होगी तो आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बर्नौली इक्वेशंस को। तो क्यू ऑफ वाई की पावर, देखिए लीनियर में मैंने कहा था कि जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा होगा, ओके, जिस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो रहा होगा वो क्या होगा, आप लेफ्ट हैंड साइड पे अपने डेरिवेटिव के साथ आएगा। तो ये तो बिल्कुल बात सही है। दूसरी चीज है, कुछ पावर क्या होगी, वो राइट हैंड साइड में भी रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि कुछ पावर अगर राइट हैंड साइड में आएगी, इसका मतलब ये बर्नौली इक्वेशन है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि लीनियर में मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई थी कि क्या होगा, कि जो मैंने कहा था कि जिसका भी डिफरेंशिएशन हो रहा हो वो अपने डेरिवेटिव के साथ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक सिंगल पावर पे आएगी, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे कुछ होगा ही नहीं। और मैंने कहा था पी और क्यू क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या फिर क्या होगा आपका फंक्शन ऑफ एक्स होगा। यहाँ पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो क्या होगा, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, ओके, वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे अपने डेरिवेटिव के साथ सिंगल पावर पे आएगा, और उसी वेरिएबल की कुछ पावर क्या होगी, राइट हैंड साइड में आ जाएगी। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। और जो P और Q होगा वो तो आप जानते हैं, या तो कांस्टेंट होगा या फिर क्या होगा आपका फंक्शन ऑफ X होगा, फंक्शन ऑफ X होगा। देखिए Y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, X होंगे, ओके, फंक्शन ऑफ X होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। एक दूसरी फॉर्म भी होती है इसकी, तो सेकंड फॉर्म देख लेते हैं। इसकी एक सेकंड फॉर्म होती है डी एक्स ओवर डी वाई, तो इसका मीनिंग है एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा हो तो इसका मतलब वो तो यहाँ पर सिंगल पावर पर 100% आने वाला है। और क्या हो जाएगा, इसी x की कुछ पावर यहाँ भी छूट जाएगी, सपोज करो x की पावर n छूट गई, ओके, और यहाँ पर जो p और q है, या तो ये कांस्टेंट होगा या फिर क्या होगा, ये फंक्शन ऑफ y होगा, ठीक है, ये y लिख लीजिए यहाँ पर, या तो क्या होगा, ये फंक्शन ऑफ y होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए करना कैसे होता है, थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देखते हैं, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना होता है। ये जो y की पावर n है, इसे पूरे को डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y की पावर n, ओके, dy by dx। एक आइडिया ले लीजिए ताकि आगे क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं वो आपको पता चल जाए, ओके, ये हो जाएगा px, ये हो जाएगा यहाँ पर y upon y की पावर n, ओके, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा आपका y की पावर n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा y की पावर माइनस, ओके, n प्लस वन हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर खाली हो जाएगा, बस हमें यही बनाना है। वैसे ही मैं यहाँ पर अगर बताना चाहूँ तो ये x की पावर n हो जाएगा, dx एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा, प्लस ऑफ पी वाई हो जाएगा, और x की पावर n हो जाएगा, और इक्वल टू q हो जाएगा, ठीक है, बस इतना करना है। अब यहाँ पर हमें करना क्या होता है, जो ये वाली टर्म होती है, ये वाली टर्म, इसको कुछ पुट करना पड़ता है। जैसे मैं देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन वाई की पावर n माइनस n लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर ये y नीचे चले जाएगा तो सिर्फ क्या करना है, इसके बाद आप कुछ पुट करना है, मतलब सिर्फ y वाले वेरिएबल्स को ही क्या करेंगे, हम कुछ पुट करेंगे, x वाले को वैसे ही छोड़ देना है।
जैसे ही हम एक्स वाले को छोड़ेंगे तब बनेगी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियबल इक्वेशन। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई की पावर एन माइनस वन लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने सपोज करो भी पुट कर दिया, और जैसे ही मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का एन प्लस वन, ठीक है। माइनस इसमें आएगा ब्रैकेट, यहाँ से आना चाहिए, तो माइनस एन प्लस वन और वाई बाय एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा, ओके। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, अब देखिए ये x वाली x अपॉन डी वाई वाली टर्म चल रही है, तो यहाँ पर हम x को लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन x की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू v पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का n प्लस वन और 1 अपॉन x की पावर n एंड डी एक्स ओवर डी वाई। अब देख सकते हैं 1 अपॉन x n और 1 अपॉन x n मैच कर रहा है डी एक्स ओवर डी वाई, तो ये हो जाएगा डी वी ओवर डी वाई। तो इस तरीके से हमें क्या करना है आपका, इसका सॉल्व करना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अब आने वाली इक्वेशन होगी, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसे भी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि पुट द एवो वैल्यू, पुट द एवो वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए जैसे ही हम ये यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो जो आने वाली इक्वेशन होगी वो कैसी आएगी, वो वेरिएबल सेपरेबल की इक्वेशन आएगी। अब वेरिएबल सेपरेबल की, सॉरी वेरिएबल सेपरेबल नहीं, लीनियर इक्वेशन आएगी। और हम जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियबल इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। यहाँ भी हम बिल्कुल बोलेंगे कि जो पुट द एवर वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, और जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियबल इक्वेशन बन जाएगी। अब हम जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियबल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो चलिए आप समझ चुके हो आई होप बर्नौली इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए कोई इक्वेशन लिखते हैं जिससे आपको मदद मिल जाए, ओके। क्वेश्चन में तो सिर्फ एक बात लिखी जाएगी कि सॉल्व द डिफरेंशियबल इक्वेशन, ठीक है। अब किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है, सपोज करिए x ओवर x मल्टीप्लाई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर log x, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, मैंने आपको बर्नौली पढ़ाया या लीनियर पढ़ाया उसमें मैंने एक बात कही है कि हमेशा जो डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए, तो सबसे पहले तो उसे आपको फ्री करना ही पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ वाई बाई एक्स एंड इक्वल टू ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स एंड लॉग एक्स। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है अपने डेरिवेटिव के साथ लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल पावर पे और कुछ पावर यहाँ भी छुटी हुई है, इसका मतलब ये बर्नौली है 100% समझ लीजिए, नहीं होती तो लीनियर होती। उसके बाद करना क्या है आपको, जैसा मैंने बताया कि इससे आपको पूरा का पूरा क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर डी बाय डी एक्स प्लस ऑफ वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, ओके। इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर 1 बाय वाई आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, पुट करना है, क्या पुट करोगे कि 1 बाय वाई इज इक्वल टू वी है, ठीक है। मैंने क्या कहा है, y वाली टर्म को ही क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। अगर डी एक्स ओवर डी वाई होती तो इसका मतलब x वाली टर्म को करना पड़ता, तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू वी है, इसका मतलब हमें मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, ओके, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ डी वी ओवर डी एक्स। तो चलिए इस इक्वेशन को इस इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, ओके, इसमें रख लीजिए। तो बोलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, तो उसका मतलब माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस डी वी ओवर डी एक्स से इक्वेशन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी वी ओवर डी एक्स प्लस का वी अपॉन एक्स इज इक्वल टू ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माइनस साइन को वैसे हटा देना ज़्यादा बेहतर रहता है ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, तो मैंने भी हटा दिया, चलिए। और ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस साइन हटाया तो जाएगा माइनस वन बाई एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो सिंगल पावर पे और राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, तो क्या ये लीनियर डिफरेंशियबल इक्वेशन नहीं हो गई, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियबल इक्वेशन हो गई।
तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि जैसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी तो आपको क्या निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो पी पता कर लो क्या है, पी इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स है और क्यू इज इक्वल टू क्या है, माइनस का लॉग एक्स अपॉन क्या है, एक्स है। तो अब आई एफ निकालना पड़ता है, आप जानते हैं ई की पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस वन बाई एक्स एंड डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस लॉग एक्स। अब देखिए ये माइनस वन इसकी पावर पे चल जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, वन बाय एक्स हमारा क्या आ जाएगा, आई एफ आ जाएगा। चलिए तुरंत सॉल्यूशन करिए। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर हम क्यों बार बार बोल रहे थे कि जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा हो वो पहले आएगा, वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि देखिए यहाँ पर वी है और आप लोगों को आदत पड़ गई होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की, और आप सीधा क्या करोगे, यहाँ देखोगे और वाई चिपका दोगे, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वी से बनी है तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा वी मल्टीप्लाई ऑफ आई एफ। ओके, आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू मल्टीप्लाई ऑफ आई एफ और प्लस का सी, तो यहाँ पर आ जाएगा वी मल्टीप्लाई, बताइए आई एफ क्या है, आई एफ हमारे पास वन बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या है हमारे पास, क्यू है, तो क्यू हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स अपॉन एक्स और आई एफ क्या है हमारे पास, ठीक है वन बाई एक्स है तो इसे स्क्वायर पहले ही डाल देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका v मल्टीप्लाई वन बाई एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसका इंटीग्रल क्या होगा आपका, वन बाई एक्स लॉग एक्स, ठीक है माइनस इंटीग्रल ऑफ वन बाय एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, इसका फिर अगेन करेंगे तो कहां पर बताएं, चलो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। आपके पास बच रहा था ये वाला v, ओके v मल्टीप्लाई ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास बच रहा था log ऑफ x अपॉन x का स्क्वायर एंड dx प्लस का c, ये हमारे पास रिलेशन आ रहा था। तो करना क्या है इसके बाद, इसका हमें इंटीग्रल करना है, ठीक है इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। ठीक है, अब इंटीग्रल करने के लिए क्या होगा, देखिए इंटीग्रल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x जो 2 है इसको ऊपर लेके चले जाएं तो ये माइनस 2 बन जाएगा और आई लेट से सॉल्व कर लीजिए, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है कि किस मेथड से इसे सॉल्व किया जाएगा, तो वी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा वन बाई एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स प्लस का सी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा वी एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स लॉग एक्स माइनस का, ठीक है प्लस आ जाएगा क्योंकि जब भी ऊपर पावर जाएगी तो ये बन जाएगा वन बाय एक्स प्लस का सी। अब एक और चीज है, हमने वी को क्या रखा था आपने बताइए, वी को रखा था आपने वन बाय वाई, तो ये भी रखना बहुत जरूरी हो जाता है लास्ट में, तो ये हो जाएगा एक्स बाय वाई इज इक्वल टू वन बाय एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस का सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, लिखा रहेगा सॉल्व, ठीक है और इक्वेशन दिया हुआ है आपको डी वाई बाई डी एक्स माइनस का टेन वाई अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स, ठीक है वन प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस ऑफ एक्स e की पावर x एंड sec y, इस तरीके से दिया गया है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे, देखिए जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा हो कुछ पावर तो यहाँ पर दिख रही है हमें और यहाँ भी हमें दिख रहा है ना, कोई जरूरी नहीं है कि y की पावर हो, y का फंक्शन भी हो सकता है, तो y का फंक्शन दिखाई दे रहा है तो इससे पूरे को आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा sec y dy by dx माइनस का tan y अपॉन sec y और 1 प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x और e की पावर x, तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है आपको कुछ, मैंने कहा था y वाले टर्म को ले लेना है, इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लीजिएगा, ये 1 बाय cos एंड sin अपॉन cos, तो cos से cos ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमारे पास जो बचेगा यहाँ पर cos आएगा, ठीक है क्योंकि ये sec है जैसे, तो ये cos बन जाएगा, उसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा,
तो ये sec क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos y एंड dy by dx, ओके, और माइनस का। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा देखिए sin y अपॉन cos y, और sec क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos y हो जाएगा। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ sin बचेगा, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर sin y, ताकि इजी हो अपना काम करने में। इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ x एंड e की पावर ऑफ x। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ मिल चुका है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे कि माइनस साइन वाई इज इक्वल टू वी, ठीक है। तो माइनस साइन वाई इज इक्वल टू वी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा बताइए, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का कॉस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ डी वी ओवर डी एक्स, ओके। तो आई होप ये चीज आपको मिल चुकी है। तो cos dy by dx equal to minus dv by dx हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहां पर इसको चेंज कर लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा माइनस का dv ओवर dx, इस इक्वेशन से देखिए माइनस dv ओवर dx, ओके, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस साइन को आपने वी रखा तो ये प्लस नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस वी ओवर वन प्लस ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने माइनस लगा, साइन भी रख सकते हैं, पॉजिटिव साइन भी रख सकते थे, ओके, और ये इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस ऑफ एक्स ऑफ ई की पावर ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसमें क्या करूं, ठीक है, अब देखिए माइनस डी वी बाई डी एक्स यहाँ पर आ चुका है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, या फिर ऐसा करिए इसे आप पॉजिटिव ही रहने दीजिए, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा और सिर्फ इसको माइनस कर दीजिए, या तो फिर ऐसा ही रहने दीजिए, ओके, बाद बाद आपको दिक्कत आएगी। तो इस तरीके का आ गया। आप देखिए जिसका डिफरेंशिएशन हो वो सिर्फ सिंगल पावर पर है अपने लेफ्ट हैंड साइड, अपने डेरिवेटिव के साथ, और राइट हैंड साइड में कोई भी नहीं है। तो आप समझ चुके हो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आप सीधा क्या करिए, आप इंटीग्रेट फैक्टर को निकालिए। आप जैसे ही आप इंटीग्रेट फैक्टर को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ वन अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं p ये है और q ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा e इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ वन प्लस ऑफ एक्स, ठीक है। और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, जब ये पावर इसके ऊपर चल जाएगी तो हमारे पास बचेगा वन प्लस ऑफ एक्स, ठीक है। अब तो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ ही रही होंगी। तो इसका जो सिंपल सा सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा वाई मल्टीप्लाई ऑफ आई एफ, आई एफ क्या है, वन प्लस ऑफ एक्स है, इज इक्वल टू ऑफ इंटीग्रल ऑफ वन प्लस ऑफ एक्स, ओके, ई की पावर ऑफ एक्स एंड मल्टीप्लाई ऑफ वन अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स एंड डी एक्स प्लस का सी, ठीक है। क्यों, ये क्यू है और ये क्या हो जाएगा, आई एफ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ई की पावर एक्स बचेगा। और आप जानते हैं की पावर एक्स क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी आएगा, सॉरी ये क्या आएगा, वी आएगा, क्योंकि वी का हम कर रहे हैं ना, तो ई की पावर एक्स आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वी अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ ई की पावर एक्स प्लस का सी। अब चेंज क्या करना है, वी को आपने क्या रखा था इसको देखिए, ठीक है, ये भी जरूरी है। तो वी को आपने रखा था क्या, पॉजिटिव का साइन वाई, पॉजिटिव का साइन वाई, तो तुरंत यहाँ पर साइन वाई लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन वाई अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स एंड इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस का सी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और आपका क्लियरिफिकेशन हो जाए, रिड्यूसेबल टू लीनियर में। तो क्वेश्चन लिखा होगा सिर्फ सॉल्व, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ऑफ वाई स्क्वायर, इस प्रकार से नजर आ रखा है। तो आप देख सकते हैं, देखिए जिसका डिफरेंशिएशन होगा कुछ पावर क्या है, राइट हैंड साइड में भी आ रखे, इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा वाई स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस का, ये हो जाएगा वन बाई एक्स वाई इज इक्वल टू ऑफ वन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पुट क्या करना है, मैंने बताया आपको क्या करना है, इसको पुट कर देना है। तो यहाँ पर मिल जाएगा माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ डी वी ओवर डी एक्स। फिर उसके बाद रिप्लेस कर दीजिए जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको चेंज कर दीजिए। जैसे ही आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा, प्लस का वी ओवर एक्स आएगा इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स माइनस वी ओवर एक्स
इज इक्वल टू माइनस का वन। तो हम देख लीजिए यहां पर से पी आपको पता चल चुका है माइनस, पी आपको क्या मिल रहा है माइनस वन बाई एक्स मिल रहा है, और क्यू क्या मिल रहा है आपको माइनस वन मिल रहा है। तो आई एफ यहाँ पर से इजिली आप निकाल सकते हैं, तो आई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस वन बाई एक्स एंड डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर ऑफ माइनस का लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, और देखिए माइनस पावर इस पे चढ़ जाएगी तो हमारे पास बच जाएगा वन बाय एक्स हो जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार से निकलेगा, सॉल्यूशन अभी फिलहाल इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए निकलेगा। तो ये हो जाएगा वी मल्टीप्लाई ऑफ आई एफ यानी वन बाय एक्स इंटीग्रल ऑफ क्यू क्या है हमारे पास देखिए तुरंत क्यू है हमारे पास माइनस वन एंड मल्टीप्लाई ऑफ आई एफ इज इक्वल टू वन बाय एक्स डी एक्स प्लस का सी। तो ये हो जाएगा वी अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस का सी। अब देखिए यहाँ पर आपको वी की पावर भी सॉरी वी का वैल्यू भी रखना है, तो वी आपने वन बाय वाई रखा था, तो ये हो जाएगा वन बाय एक्स एंड वाई इज इक्वल टू माइनस का लॉग एक्स एंड प्लस का सी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, आज रिड्यूसेबल टू आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुका है यानी बर्नौली इक्वेशन हमने सॉल्व कर दी है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।